हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जो रेडमी का नोट 7 या रेडमी का जितने भी सारे मोबाइल है, आप रेडमी नोट 7 आप सोच रहे हैं कि बहुत आगे ख़रीदने वाला है, और रेडमी नोट 7 या रेडमी नोट 7 प्रो आप आगे ख़रीदने वाला है, तो आपको इसी चीज़ में ध्यान देना चाहिए। कौन सा चीज़ में ध्यान देना चाहिए मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं पहले बताऊंगा जो इसका जो सेंसर है उसी के बारे में आज मेनली मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपका जो ऑल जितने भी सारे सेंसर है, आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले टेस्ट है, डिस्प्ले स्क्रीन बिनिंग करता है कि नहीं करता है। दोस्तों, टोटल जितने भी सारे आपकी मोबाइल में जितने भी सारे सेंसर है, सभी का मैं टेस्ट करने वाला हूँ। आप मोबाइल जब पहले खरीदे तो आपको 10 डेज के लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिल जाता है। आप सभी जितने भी सारे आपका जो सेंसर है सभी को आप टेस्ट कर लीजिए, एक भी काम नहीं करेगा तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिए। दोस्तों, चलिए मैं ले चलता हूँ मेरे रेडमी नोट 7 के स्क्रीन के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं ले के आ गया हूँ मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो दोस्तों, आपको क्या क्या करना है मैं आपको अभी दिखाऊँगा। आप मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग को चला जाइए। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि जो डार्क है कैसे दिख रही है। दोस्तों, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया, आपको ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उसी आई बटन में क्लिक करो और आपको ये वीडियो दिख जाएगा, आप कैसे इसी मोबाइल पे आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक की ओर पे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो अबाउट फ़ोन है आपको उसी के ऊपर जाना है। दोस्तों, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए कर्नल वर्सन यहाँ पर है। दोस्तों, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर है कर्नल वर्सन, आपको उसी के ऊपर बार बार टच कीजिए, 5-6 बार टच कीजिए, और टच जब करने के बाद आपको SI इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, पहले सॉफ्टवेयर वर्सन, सिम टेस्ट, SD का टेस्ट, मैं आपको एक एक टेस्ट सभी टेस्ट आपको करके दिखाऊँगा। देखिए, टोटल है 36 टेस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अंदर है सेंसर टेस्ट। दोस्तों, सभी टेस्ट मैं आज करने वाला हूँ। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप एक बार इतना बजट लगा कर एक मोबाइल ख़रीदेंगे 10,000, नहीं तो आप जो प्रो ख़रीदेंगे तो उसका प्राइस है 14,000। आप इतने रुपीज़ देंगे और इसमें क्या गलती रह जाएगा, तो आपको ज़िंदगी भर उसको रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज आपको सभी टेस्ट बताऊँगा। आप जब आपको ये मोबाइल मिल जाएगा, आप तुरंत इस टेस्ट को कर लीजिए, और कोई भी एक फीचर स्वार के नहीं करता है तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो आपके पास 10 दिन का टाइम देता है फ्लिपकार्ट ने। और दोस्तों, पहले सॉफ्टवेयर वर्सन देखिए। सॉफ्टवेयर वर्सन पर आपको यहाँ पर तो सभी सारे जितने भी सारे आपका सॉफ्टवेयर वर्सन है उसके बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहां पर ओके पे क्लिक कर लीजिए। ओके यहां पर नीचे से है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, एंटर द फंक्शन ओके। दोस्तों, ये फ़ोन डुअल सिम वोल्ट है। देखिए, यहां पर मेरा एक एयरटेल का सिम है इसलिए, लेकिन सिम टू में मैं कोई सिम नहीं डाला है इसीलिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके ऊपर आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं डुअल सिम नहीं डाला इसलिए फेल दिख रहा है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लगी, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप SD कार्ड पे जाइए। देखिए, SD कार्ड अनअवेलेबल, इसमें दोस्तों SD कार्ड नहीं है इसलिए वो फेल हो गया। आप ओके पे यहाँ पर जब क्लिक करोगे ये तो वर्क नहीं करेगा, आपको एरन पे क्लिक करना होगा। देखिए, उसके बाद की पे क्लिक करना है, पर वॉल्यूम की जब मैं प्रेस किया तो ये कलर हो गया। देखिए, ये आप सोच वॉल्यूम की काम कर रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की, देखिए ये तो दो काम किया। देखिए, उसके बाद है पावर की। दोस्तों, मैं प्रेस कर लेता हूँ मेरे पावर की को, देखिए ये सब भी वार कर गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद करते हैं मोटर टेस्ट। दोस्तों, ये जो मोटर टेस्ट है उसमें आपको वाइब्रेशन सुनने के लिए मिल जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हो इसका जो वाइब्रेशन, मैं पहले कंटिन्यू वाइब्रेशन पर क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों बिल्कुल वार कर रहा है मेरा जो वाइब्रेशन, और उसके बाद नो वाइब्रेशन, और अभी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद इंटरनल वाइब्रेशन, उसको क्लिक करते हैं। एक बार हो गया, ये जो है दो बार वो हो गया, ये तीन बार वो भी हो गया, चार बार हुआ। देखिए कितना बार हुआ, जितने बार आपका वाइब्रेशन करेगा आप उतने आपको नंबर दे दीजिए। देखिए रिजल्ट पास, देखिए ये जो रिजल्ट है दोस्तों ये पास हो गया। और उसके बाद आप
ओके पे क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद जो अगला टेस्ट है, देखिए एलईडी, देखिए अभी एलईडी लगा के मैं दिखाता हूँ। देखिए बैक लाइट वाइट एलईडी, देखिए जब बैक लाइट पे क्लिक किया, देखिए कितना कम लाइट हो गया हमारे स्क्रीन पर। देखिए आप देख सकते हो ये दोस्तों पूरे ठीक से वायर करता है। और टॉर्च वन एंड टू आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरे ठीक से वायर करता है। जो सिक्स नंबर पे आता है वो एलईडी टेस्ट, अब मैं मेरे एलईडी टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखिए बैक लाइट वो भी ठीक ठाक है, वाइट एलईडी। दोस्तों नंबर सिक्स पे आता है वो है एलईडी टेस्ट। देखिए टॉर्च वन टू, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्लैश भी ठीक ठाक से वार कर रहा है। ये थोड़ा टाइम लगेगा ये जो फीचर्स है टू फॉलो आइटम विल बी रैंडम स्विच ऑन प्लीज सिलेक्ट टू करंट स्टेटस ऑफ द लाइट, करंट स्टेटस फॉर द लाइट। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो जो टेस्ट है वो अभी परफॉर्म करेगा। दोस्तों फिर से आता है जो सिक्स नंबर पे, वो है एलईडी टेस्ट। देखिए मैं जब क्लिक कर दिया एलईडी टेस्ट पे, अभी क्या हुआ आपको बताना होगा आपकी क्या हुआ। दोस्तों नंबर सिक्स पे जो आता है देखिए एलईडी, आप उस पे जब क्लिक करोगे आपको क्या देखिए, ये अभी क्या जला, अभी बैक लाइट जला, इसलिए आपको यहाँ पर बैक लाइट पे क्लिक करना है। बैक वन देखिए टॉर्च, टॉर्च बैक वन, टॉर्च बैक टू। दोस्तों सिक्स नंबर पे जो आता है एलईडी टेस्ट, आपको तुरंत देखिए ये दोस्तों पीछे का लाइट जला और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए ब्लिक करता है इसलिए आपको व्हाइट एलईडी पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बैक लाइट उस पर क्लिक करना है, देखिए टॉर्च वन टॉर्च टू। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर लीजिए और ये जो टेस्ट है वो पूरे पास हो जाएगा, टेस्ट पास। देखिए यहाँ पर पूरे फ्लैट स्क्रीन पर रखना होगा। और देखिए मैं थोड़ा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं से कहीं पर भी फ्लैट स्क्रीन पर रख लीजिए दोस्तों, टेस्ट पास हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों मैं थोड़ा बैक करता हूँ और आपको दिखाऊंगा। देखिए सिक्स और से बताता है टॉच पैनल, टॉच पैनल दोस्तों मैं टेस्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों मेरा जो सभी टॉच है वो बहुत ही अच्छा से वार कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा से वार कर रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वार कर रहा है। देखिए जब आप यहाँ पे आस क्यों नहीं दिखाता ये तो मुझे पता नहीं है। उसके बाद आप कॉलर को भी टेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप एक बार स्क्रीन को टच कर लीजिए। देखिए ये है रेड लाइट और उसके बाद देखिए ग्रीन, और एक बार टैप कर लीजिए, देखिए ये है आपका ब्लू स्क्रीन और देखिए टेस्ट कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पर जो है ओके ओके पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए स्टार्ट कैलिब्रेट स्पीकर, देखिए दोस्तों ये तो पूरा आर्क वार कर गया। और उसके बाद आपको एक जो आपको नंबर आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाएगा उसको क्लिक कर लीजिए। देखिए 95 यहाँ पर ओके, देखिए
ये दोस्तों ये भी जो है वो भी हो गया। और उसके बाद आता है प्ले म्यूजिक बाय रिसीवर, आप प्ले म्यूजिक पे क्लिक कीजिए। देखिए हाँ, देखिए ये भी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9 दोस्तों देखिए ये भी जो टेस्ट है पास हो गया। देखिए अभी कितना टेस्ट है सब भी पास हो गया है, और अभी एक बाकी है, और भी देखिए 13 टेस्ट हो गया है। अभी प्ले म्यूजिक बाय स्पीकर, देखिए प्ले म्यूजिक, देखिए वो पूरा ठीक हो गया है। ईयरफोन जो लगाने के लिए बोलता है मेरे पास तो अभी फ़िलहाल में नहीं है, इसलिए मैं उसको बैक कर लेता हूँ। आपके पास है तो चेक कर लीजिए, जो हेडसेट है आपका काम कर रहा है कि नहीं। मिक स्पीक टेस्ट है उसको भी कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ बोलिए आपके मोबाइल के पास, देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं करता है। इसमें मैं हेडफोन को नहीं डालता हूँ, इसीलिए दोस्तों ये फेल दिख रहा है, लेकिन ये दो भी पास हो जाएगा। आपके पास है तो आप क्लिक करके दिखे। यहाँ पर FM भी आप टेस्ट कर लीजिए, GPS, Wi-Fi जितने भी सारे हैं, ब्लूटूथ, गायरोस्कोप, अभी आ गया है सेंसर। दोस्तों दिखिए सभी सेंसर को टेस्ट करके दिखिए। कैलिब्रेशन यहाँ पर दिखिए, सेंसर आप देख सकते हो XYZ एक्सिस, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं जिधर रखूँगा दिखिए, ये अभी है हमारा फ़ोन, दिखिए दोस्तों देख सकते हो अभी हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा एक्सेलेरोमीटर, थोड़ा फ्लैट सरफेस पे फ़ोन को रख लीजिए। देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेंसर, देखिए ये भी वार कर रहा है। और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये दोनों टेस्ट हो गया, आप देख सकते हो दोस्तों पास हो गया। और उसके बाद आता है प्रोक्सीमेटी टेस्ट, देखिए कैलिब्रेशन। मैं थोड़ा इस फ़ोन को थोड़ा फ्लैट सरफेस पे रख लेता हूँ, देखेंगे देखिए आप आपकी फ़ोन के ऊपर थोड़ा लाइट डालिए, लाइट अभी डालूँगा। देखिए देखिए ओके दिखा दिया, तो ये सेंसर अभी वार कर रहा है। देखिए ये जो टेस्ट है वो भी दोस्तों पास हो गया। मैं थोड़ा ब्राइट को कमा लेता हूँ, देखिए। और ये OTG टेस्ट, चार्जर टेस्ट, आपके पास चार्जर है तो चार्ज भी मेरा ये भी होता है, चार्ज भी होता है, अच्छा सा चार्ज भी होता है। और उसके बाद आता है फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, मास्टर बैक कैमरा, आप देख सकते हो कैमरा, और ट्विन बैक कैमरा, देखिए ये है हमारा बैक कैमरा। दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है, अब देखिए जूम भी देखो कीजिए, देखिए जूम भी वर्क करता है। ओके पे क्लिक कर लीजिए, और दोस्तों ओके, फिंगरप्रिंट वो भी काम कर रहा है, बैटरी कैपेसिटी वो भी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। देखिए सभी जो टेस्ट है यहाँ पर देखिए पास हो गया है, देखिए सभी पास हो गया है। फ्रंट कैमरा भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा अंधेरा हो गया है, ओके देखिए ओके ये ठीक ठाक वार करता है। जितने भी सारे टेस्ट हैं मैं आपको सभी करके दिखा लिया। दोस्तों मैं वीडियो की एंड में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक अच्छा सा कमेंट कर लीजिए, और सबसे पहले भी एक लाइक भी कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ उसमें जो पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।